और इस टाइम हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट है और एसी की कूलिंग भाई इतनी जबरदस्त है ना ट्रैक्टर के अंदर कि आप कहोगे वाह, गर्मी का तो नाम ही निशानी नहीं है ट्रैक्टर के अंदर। कूलर मिल जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इंटरकूलर लगा हुआ है जो हमारे डीजल को ट्रैक्टर में डीजल को ठंडा करने का काम करता है, और इसी के साथ हमारा एसी का कंडेंसर यहाँ लगा हुआ, और ये पीछे जो ट्रांसमिशन ऑयल के लिए है एयर कूलर यहाँ पर लगा, जिससे हमारा ऑयल है जो ठंडा रहता है। एसी का यूनिट यहाँ पर दिया गया है इसमें, और ये हमारे पे तीन ब्लोअर इस साइड दिए गए हैं, और ये हमारे तीन ब्लोअर इस साइड आ जाते हैं। ये हमारा ट्रैक्टर एसी और हीटर दोनों में चलता है, सर्दियों में आप इसका हीटर यूज कर सकते हो, गर्मियों में इसका एयर हीटर भी कर सकते हो, टेलीस्कोपिक भी कर सकते हो। अब ये देखो, ये देखो आप यहाँ पर हमारा ये पीटीओ के लिए बटन यहाँ पर दे रखा है आपने। सस्पेंशन वाली शीट मिलती है, जिससे जो हमारा किसान है ड्राइवर जो भी इसको चला रहा है वो थकेगा बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारी और एक नई वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं शिवा ट्रैक्टर जॉन डियर की एजेंसी अंबाला सिटी में, और आज हम आपको दिखाएंगे जॉन डियर का जो सबसे तगड़ा ट्रैक्टर आता है 50/75E, जो 74 HP के अंदर आता है। जब ये CRDI इंजन के साथ है तो 74 HP इसकी हो गई है। और आज हमारे पास जो ट्रैक्टर खड़ा है, आज ये हमारा AC कैबिन वाला ट्रैक्टर है, इसका हम आपको फुल रिव्यू दिखाएंगे भी इसमें क्या, इसका AC में कितने बेनिफिट्स हैं हमें AC वाला ट्रैक्टर लेने का, कितने इसमें इंजन में चेंजेस हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू, और जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें फॉलो करें। सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट लुक से ही बात करें तो ट्रैक्टर की लुक बहुत ही शानदार है। इसके फ्रंट में हमें जो हेडलैम्प की बात करें तो HD हेडलाइट मिलती है लो बीम और हाई बीम के साथ, और वहीं इसके जो फ्रंट में जो जाली हमें काफी ज्यादा बड़ी मिल जाती है, जिससे ट्रैक्टर में जो हवा का वेंटिलेशन है ट्रैक्टर की वो काफी अच्छे से होता है। जो इसमें फ्रंट एक्सल काफी हैवी ड्यूटी इसमें फ्रंट एक्सल आप देख सकते हो उसमें यूज किया गया है। आप ट्रैक्टर की साइड प्रोफाइल से लुक देख सकते हो इस साइड से, यहाँ पर भी हमें जो कुछ हवा के लिए मिनट्स दे रखे हैं ताकि ट्रैक्टर के जो इंजन में हवा अच्छे से क्रॉस हो सके, ट्रैक्टर हमारा गर्म ना हो उसके लिए दे रखे हैं। और बात करते हैं इसके सिलेंसर, आप देख सकते हो इसका जो सिलेंसर है काफी यूनिक सा सिलेंसर है, इसमें जैसे JCB जैसा काफी एक बड़ा सा सिलेंसर इस ट्रैक्टर में दे रखा है, और उसी के साथ साथ बैटरी इस ट्रैक्टर में हमें यहाँ पर मिल जाती है, जो आपको फुट स्टेप है जहाँ पर हमें चढ़ने के लिए यहाँ पर हमारी बैटरी दे रखी है। बैटरी को निकालने के लिए इसमें हमें इजी लॉक सिस्टम दे रखा है, बस ये दो पिन निकाल के हम अपनी यहाँ से बैटरी को देख सकते हैं। और यहाँ पर एक डोर दे रखा है ट्रैक्टर में अंदर एंट्री करने के लिए, ट्रैक्टर का बोनट खोलने के लिए यहाँ पर इसमें पिन दे रखी है, आप इसको यहाँ पर खोल के इजी, आपको कुछ भी जोर नहीं लगाना। ट्रैक्टर के में दो गैस्केट्स लगे हुए हैं जो ट्रैक्टर का जो बोनट उठाते हैं, और फाइबर हुड में आपको बोनट मिलता है, और A1 क्वालिटी है जो ट्रैक्टर की बेस्ट क्वालिटी में आपको बोनट मिलेगा। वहीं पर अगर इसके हम एयर क्लीनर की बात करें तो इसमें ड्यूल एलिमेंट वाला विद चौकिंग सेंसर के साथ हमारा एयर क्लीनर आता है, जिसकी अगर चौक ट्रैक्टर के अगर एयर क्लीनर हमारा चौक हो जाता है तो उसकी सेंसिंग है जो ट्रैक्टर के मीटर में हमारे पास इंडिकेशन में आ जाएगी। तो अगर आपको मैं पास से दिखाऊं तो इस ट्रैक्टर में हमें तीन है जो एयर कूलर मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंटरकूलर लगा हुआ है जो हमारे डीजल को ट्रैक्टर में डीजल को ठंडा करने का काम करता है, और इसी के साथ हमारा AC का कंडेंसर यहाँ लगा हुआ, और ये पीछे जो ट्रांसमिशन ऑयल के लिए है एयर कूलर यहाँ पर लगा, जिससे हमारा ऑयल है जो ठंडा रहता है। उसके साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो ट्रैक्टर का पूरा सेटअप आप देख सकते हो, ये हमारा EGR वाल यहाँ पर लगा हुआ, ये हमारा जो CRD की नोजल है वो यहाँ पर फिट की गई है ट्रैक्टर में पूरे अच्छे तरीके से। उसी के साथ साथ अगर बात करें हम यहाँ पर हमारे डीजल फिल्टर ट्रैक्टर में दो यहाँ पर लगे हुए, ताकि जो हमारा तेल है ट्रैक्टर में पूरा प्योर होकर ट्रैक्टर के इंजन में जाए, कोई कचरा वगैरह ना जाए। और टूल बॉक्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक में इसका टूल आता है जो काफी अच्छी क्वालिटी है। 82 यानी 82 लीटर की है जो फ्यूल टैंक मिल जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर बड़ा होने की वजह से तो काम भी इसका ज्यादा करेगा, तो इसलिए फ्यूल टैंक का जो इसमें और ट्रैक्टर और जॉन डियर के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा दिया गया। वहीं अगर हम इस ट्रैक्टर के टायर साइज की बात करें तो इस ट्रैक्टर के जो फ्रंट में टायर मिलते हैं वो 11/24 के मिलते हैं, और जो इसके रियर टायर हैं वो 16/30 में मिल जाते हैं। इसके मडगार्ड देख सकते हो, जो इसके रियर मडगार्ड हैं वो गोल हैं, क्योंकि AC कैबिन होने की वजह से इनको ग्लाई में दिया गया, और बाहर की फॉरन की लुक की टाइप में इसके मडगार्ड्स हैं जो कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। AC कैबिन वाली वुड देख सकते हो, पूरी की पूरी एक लोहे के पूरे के अच्छी क्वालिटी के पैप यूज किए गए। अगर कंपनी कहती है अगर ट्रैक्टर पलट भी गया तब भी हमारे ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं होगा, और इस वुड को भी कोई नुकसान नहीं होगा, ये काफी एक अच्छी हैवी क्वालिटी बनाए गए। अब चलते हैं कैबिन के अंदर, कैबिन के अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पर दो फुट स्टेप दिए गए। ट्रैक्टर बड़ा होने के वजह से ट्रैक्टर की जो हाइट है काफी ऊपर चली जाती है। चलाइए चलते हैं ट्रैक्टर के अंदर, अंदर से दिखाते हैं आपको कैबिन। ट्रैक्टर की लुक आप देख सकते हो, अंदर से ट्रैक्टर हमारा को देखने में ऐसा दिखता है। इसका कैबिन देखो पहले तो, आपका जो AC का यूनिट है AC का यूनिट यहाँ पर दिया गया है इसमें, और ये हमारे पे तीन ब्लोअर इस साइड दिए गए हैं ट्रैक्टर में, और ये हमारा
धूप से बचने के लिए इसमें जैसे कार में होता है वो दिया गया है सिस्टम। और ये हमारे 3 ब्लोअर इस साइड आ जाते हैं। ये हमारा ट्रैक्टर एसी और हीटर दोनों में चलता है। सर्दियों में आप इसका हीटर यूज कर सकते हो, गर्मियों में इसका एसी। यहाँ पर स्पीकर दिए गए हैं इसमें ट्रैक्टर में, और 2 स्पीकर हमें इस साइड मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमारी जो लाइट दी गई है ट्रैक्टर की वो है। बात करते हैं ट्रैक्टर के मीटर कंसोलमेंट की, तो मीटर आप देख सकते हो ट्रैक्टर का। चाबी ऑन करके दिखा देते हैं हम आपको। कुछ इस प्रकार से इसमें मीटर मिल जाता है। यहाँ पर हमारा तेल के लिए, और ये हमारा आरपीएम मीटर, और ये हमारा टेम्परेचर का मीटर। ये हमारी जो इंडिया पार्किंग के लिए जलता है इंडिकेशन, यहाँ पर बैटरी के लिए, और यहाँ पर जो हमारी स्क्रीन दे रखी है इसमें हमारा ट्रैक्टर कितने घंटे चल चुका है वो आता है। बाकी हमारा और भी काफ़ी इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी इंडिकेशंस हैं, जो हमारे ट्रैक्टर में अगर कोई भी दिक्कत हुई तो यहाँ पर वो शो कर देगा। उसी के साथ साथ हमारा ट्रैक्टर में ये स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक मोड के लिए बटन यहाँ पर दिया गया है। अगर आप जैसे कहते थे भी जॉन डियर काफ़ी तेल खाता है, इसलिए कंपनी ने इसमें ये बटन दे रखा है कि अगर आप रोड पे चल रहे हो, फ्री चल रहे हो, चाहे आपने ट्रॉली भी डाली हो, अगर रोड पे चल रहे हो तो आप इसको इकोनॉमिक मोड में डालो, जिससे आपका ट्रैक्टर है जो अपनी HP से 7-8 HP डाउन करके चलेगा, और जिससे हमारा तेल कंजप्शन है बहुत ही कम यूज होगी। उसी के साथ हॉर्न यहाँ पर दिया गया ट्रैक्टर का, और लाइट के बटन यहाँ पर। और इसी के साथ साथ अगर हम इस साइड की बात करें तो इस साइड हमें वाइपर के लिए शटल शिफ्ट गियर हमें यहाँ पर दिया गया है। जिस भी इसका फंक्शन ये होता है हमारा, अगर ट्रैक्टर हमारा 4th गियर में भी फॉरवर्ड चल रहा था, हम उसी में ही हम अपने ट्रैक्टर को रिवर्स, इसको ऐसे करके रिवर्स कर सकते हैं। और टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक, इसमें हमें स्टेयरिंग मिल जाता है, आप इसको टिल्ट भी कर सकते हो, टेलीस्कोपिक भी कर सकते हो। अब ये देखो, ये देखो, आप टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग मिल जाता है। पैडल इसमें हमें बाकी जॉनडियर की तरह ही सस्पेंडेड टाइप के ब्रेक पैडल मिल जाते हैं, क्लच और ब्रेक पैडल दोनों ही जॉनडियर की बाकी इतना मिल जाता है। वो प्लेटफॉर्म है जो पूरा का पूरा फ्लैट मिलता है इस ट्रैक्टर में हमें। बाकी पीछे से आप या इस साइड की बात करें तो इस साइड हमें ट्रैक्टर में जो हाथ वाली रेस है वो हमारी यहाँ पर दी गई है, और बहुत ही सॉफ्ट है जो इस ट्रैक्टर में रेस दी गई है। आप सिंगल फिंगर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लीवर दे रखे हैं यहाँ पर, 2-2 डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर लगाओ तो उसके लिए डबल डबल यहाँ पर लीवर हमारे यहाँ पर दिए गए। और ये हमारे हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए लीवर यहाँ पर दे रखे हैं। और उसी के साथ अगर बैक पीछे चलते हैं तो यहाँ पर हमारा ये PTO के लिए बटन यहाँ पर दे रखा है। आपने सिर्फ इसको एक बार पुश करना है, साथ ही आपकी PTO चल पड़ेगी। और कुछ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ कराना है तो उसके लिए यहाँ पर दे रखा है। और ये हमारा सॉकेट दे रखे है चार्जिंग के लिए। और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर ABC गियर लीवर यहाँ पर दिया गया। और ये हमारा 4 फॉरवर्ड और 1 पार्किंग वाला लीवर यहाँ पर हमें मिल जाता है। बैक गियर इसमें नहीं होता क्योंकि ये शटल शिफ्ट गियर वाला ट्रैक्टर है हमारा। कैबिन आप अंदर से ट्रैक्टर का देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का ट्रैक्टर का आपका कैबिन है, पूरे का पूरा कैबिन। इस साइड भी आपको कुछ बोतल होल्डर वगैरह और स्पेस मिल जाती है। सीट की बात करें तो इस ट्रैक्टर में हमें एयर सस्पेंशन वाली सीट मिलती है, जिससे जो हमारा किसान है, ड्राइवर जो भी इसको चला रहा है, वो थकेगा बिल्कुल भी नहीं। एयर सस्पेंशन वाली सीट है, आर्म रेस्ट के साथ इसमें सीट आती है। कैबिन आप देख सकते हो, इसका पूरे का पूरा अच्छे से कवर कर रखा है। हमारी PTO का 540 इकोनॉमिक और स्टैंडर्ड हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो 4 व्हील ड्राइव के लिए लीवर है जो, वो हमें यहाँ पर मिल जाता है ट्रैक्टर में। अब दिखाते हैं हम आपको ट्रैक्टर को स्टार्ट करके कि AC कैबिन में इसकी वॉइस कितनी आती है, कितनी नहीं आती अंदर। आप अभी हमारा ट्रैक्टर है जो स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो इसकी वॉइस है ट्रैक्टर की बिल्कुल भी अंदर नहीं है, हमारे कैबिन में बिल्कुल भी शोर नहीं है ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर की आप RPM दिखा देते हैं हम आपको अभी। ये देखो आप, 1500 RPM पे हमारा ट्रैक्टर जा चुका है, कोई इसमें अंदर वाइब्रेशन नहीं हो रही मेरे को महसूस हो रही हो। आप AC देख सकते हो, AC इसका फुल चिल्ड कर रहा है भाई, मेरे को तो पूरी अच्छी ठंडक दे रहा है। और इस टाइम हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट है, और AC की कूलिंग भाई इतनी जबरदस्त है ना इस ट्रैक्टर के अंदर कि आप कहोगे वाह, गर्मी का तो नाम निशान ही नहीं है ट्रैक्टर के अंदर भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कार में बैठे हूँ। ट्रैक्टर के बैक साइड से बात करें तो ट्रैक्टर की आप बैक साइड की लुक देख सकते हो, इसकी जो फेंडर लाइट है जो दी गई है बहुत ही जबरदस्त इसमें लाइट सिस्टम किया गया है, और काफ़ी हैवी क्वालिटी की इसमें लाइट है। नंबर प्लेट के लिए हमें यहाँ पर नक्शे दे रखे हैं, और इसमें नीचे लाइट भी दे रखी है ताकि हमारे नंबर पे लाइट पड़े। पीछे हमारा एक टंकी दे रखी है जिसमें हमारा वाइपर के लिए पानी यहाँ पर डलता है, जो इस
इसका जो हमारे शीशे के फ्रंट में वाइपर था उसके लिए पानी यहाँ पर, तो ये आपके डबल डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर दे रखे हैं डबल डबल, जो हमारा एरो में यूज किया जाता है हाइड्रो। और यहाँ पर हमारा ये जो अपनी बैटरी कल ये लग से दे रखा है, अगर हम अपने ट्रॉली को पीछे लाइट देना चाहते हैं उसके लिए सॉकेट यहाँ पर दी गई है। और इसकी जो लिफ्ट है, लिफ्ट में भी आप देख सकते हो लिफ्ट में जैकिंग सिस्टम यूज किया गया है, कोई इसमें चैन सिस्टम नहीं है, ताकि हमारे जो अगर हम हैवी एप्लीमेंट इस ट्रैक्टर पे चलाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, ट्रैक्टर में कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हमें जैक सिस्टम भी दिया गया। और आप देख सकते हो इसकी जो हुड है वो पूरी पूरी चासी से नीचे अटैच की हुई है, कोई ऐसे नहीं हमें मडगार्ड से इसकी हुड उठाई है और चासी से भी पूरी अटैच कर रखी है। और वहीं इस ट्रैक्टर की हम लिफ्ट कैपेसिटी की बात करते हैं, इस ट्रैक्टर में हमें 2500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है जो मिल जाती है। अगर इस ट्रैक्टर की हम वारंटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर में हमें 5 साल 5000 घंटे की जो वारंटी मिलती है, वारंटी हमें इंजन गियर और लिफ्ट की ही मिलती है, बाकी जो हमारे अदर पार्ट होते हैं जैसे टायर बैटरी अल्टरनेटर वगैरह वो जिस कंपनी से हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं हमें उससे ही गारंटी 1 साल की वारंटी मिलती है। अगर हम इसकी सर्विस कॉस्ट की बात करें तो ट्रैक्टर की जो सर्विस है फर्स्ट सर्विस होती है इस ट्रैक्टर की हमारी 100 घंटे की होती है, उसके बाद इसकी जो सर्विस होगी वो 500 घंटे के अंतराल पर होगी, जिससे आपका जो खर्चा है जो बार बार सर्विस कराने का वो भी बच जाता है। और इस ट्रैक्टर के प्राइस के लिए आप अपने नियर बाई डीलर से पता कर सकते हो, क्योंकि स्टेट वाइज प्राइस अलग होता है, इसलिए आप हम कहते हैं आपको अपने नियर बाई डीलर से प्राइस पता करें इस ट्रैक्टर का। और एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।